ये जो महापुरुष हैं, शिवाजी महाराज, फूले जी, अंबेडकर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, मौलाना आजाद जी, जब हम इनके सामने हाथ जोड़ते हैं, हम इनका धन्यवाद करते हैं। हम इनका इसलिए धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, इन्होंने हमें जीने का तरीका दिया है। मीटिंग शुरू करने से पहले हमने छत्रपति शिवाजी महाराज, बसवना जी, महात्मा फूले जी, साहू महाराज और हमारे जो महापुरुष हैं उनका फूलों से आदर किया। ये जो हमने आदर किया, इसका मतलब क्या है? ये हमने किस कारण किया, क्यों किया? हमने इसलिए किया क्योंकि इन लोगों ने अपनी जिंदगी, पूरी की पूरी जिंदगी, तपस्या की। इन्होंने और कुछ काम ही नहीं किया, और जब इन्होंने तपस्या की, इनके दिल में जो थोड़ा सा अहंकार था, उस तपस्या ने उस अहंकार को मिटा दिया, खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। और फिर इन महापुरुषों और जनता का जो रिश्ता था, वो बिल्कुल दूसरे तरीका का रिश्ता था। उनकी तपस्या का हम आदर करते हैं, उन्होंने जो दिल से अहंकार मिटाया उसका हम आदर करते हैं, और जिन जो इनका रिश्ता था हिंदुस्तान के लोगों का, लोगों से, उसका हम आदर करते हैं। इसीलिए आज हमने इनके सामने हाथ जोड़े, इसीलिए आज हमने इनके सामने फूल रखे। ये देश तपस्या का देश है। अब देखिए, जिनके भी सामने हम हाथ जोड़ते हैं, वो सब के सब तपस्वी हैं। गांधी जी को देखिए, शिवाजी महाराज को देखिए, सरदार पटेल को देखिए। ये देश जब भी अपना सिर झुकाता है, हाथ जोड़ता है, तपस्या के सामने अपना हाथ जोड़ता है। सच्चाई है। और तपस्या सिर्फ इन महापुरुषों ने नहीं की। मैंने कहा यह देश तपस्वियों का देश है। इस देश के किसान भी तपस्या करते हैं, दिन भर तपस्या करते हैं। इस देश का मजदूर तपस्या करता है। इस देश का छोटा व्यापारी तपस्या करता है। मगर आज इस देश में उसको तपस्या का फल नहीं मिलता। वो मर जाए, पिस जाए, 24 घंटा काम करे,
उसे तपस्या का फल नहीं मिलता। पूरा का पूरा फायदा जो किसानों को मिलना चाहिए फ्री में नहीं, मुफ्त में नहीं, तपस्या के लिए, देश को खून पसीना देने के लिए नहीं मिलता। मजदूर के हाथ फट जाते हैं, खून निकल जाता है, तपस्या का फल नहीं मिलता। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ साल पहले नोटबंदी की, आठ बजे रात को कहा, भाइयों और बहनों भाइयों और बहनों मैं 500 रुपए 1000 रुपए का नोट रद्द कर रहा हूं। काले धन के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूं और कुछ दिन बाद उन्होंने कहा अगर काला धन नहीं मिटा तो मुझे फांसी से लटका देना। क्या इमोशन, क्या शब्द, फिर आंसू भी निकले। उनकी अलग तपस्या है, तपस्या है मगर अलग है, वो तो आपको दिखता है आंसू वाली। खैर, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, 5 अलग अलग टैक्स, %28 तक टैक्स, आजाद हिंदुस्तान में पहली बार किसानों पर टैक्स, फर्टिलाइजर पर टैक्स, उनके औजारों पर टैक्स। आपकी सड़कों पे मैं चल रहा हूं, लोग कहते हैं 3500 किलोमीटर चल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। या आप मत सोचो कि मुश्किल काम है, मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। आप यात्रियों से पूछ लो बैठे हैं वहां पे, बताओ भाई आसान है मुश्किल है, आसान है मुश्किल है, आसान है। आसान क्यों है? हम नहीं चल रहे, हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आपका प्यार, आपकी शक्ति हमें आगे धकेल रही है। सुबह उठते हैं, आज 6 बजे से हम चल रहे हैं, 8 बज गए, थकान नहीं है, अजीब सी बात है। आप उनसे पूछो, सही बोल रहा हूं ना, बोल रहा हूं ना सही, थकान नहीं है? ये पूछते हैं मुझे जब मिलते हैं, पूछते हैं राहुल जी ये क्या हो रहा है, हमें थकान क्यों नहीं हो रही? थकान इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हिंदुस्तान की शक्ति आपके पीछे है, किसानों की शक्ति आपके पीछे है, मजदूरों की शक्ति आपके पीछे है। कैसे होगी थकान? हो ही नहीं सकती। हम सड़क पे चलते हैं, आपसे मिलते हैं, 7-8 घंटे चलते हैं,
किसानों से मिलते हैं, युवाओं से मिलते हैं, मजदूरों से मिलते हैं, स्टूडेंट से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, आपकी बात सुनते हैं, आपका दर्द समझते हैं। मैं अकेला नहीं, ये सब कांग्रेस पार्टी के नेता सब चल रहे हैं, घर कोई नहीं बैठा, घंटों चल रहे हैं उन्हीं सड़कों पे चल रहे हैं जिन पे आप चलते हो, हवाई जहाज में नहीं, गाड़ी में नहीं, सड़क पे, और आपकी बात सुन रहे हैं और बहुत समझने को मिल रहा है। आज छोटा सा बच्चा आके मुझसे बात करता है, दो भाई, मैंने पूछा क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, पढ़ाई कर रहा हूं, क्या करना चाहते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूं, स्कूल जाते हो, हां स्कूल जाता हूं, सपना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का, मैंने गलती से पूछ लिया, मैंने पूछा तुमने कभी कंप्यूटर देखा है, कहता है मैंने कभी कंप्यूटर नहीं देखा, मुझे बुरा लगा, मैंने कहा तुम्हारे स्कूल में कंप्यूटर नहीं है क्या, नहीं कोई कंप्यूटर नहीं है, क्यों नहीं है कंप्यूटर स्कूल में, क्योंकि हिंदुस्तान का पूरा धन दो तीन उद्योगपतियों के हाथ जा रहा है, इसलिए कंप्यूटर नहीं है स्कूल में। और वही बात किसान के साथ, एमएसपी नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती, कर्जा माफ नहीं होता, क्यों नहीं होता, मजदूर भी वही कहता है, मनरेगा का पैसा नहीं मिलता, काम नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता। भाई और बहनों, पैसे की कोई कमी नहीं है इस देश में, पैसे की कोई कमी नहीं है। यहां पे हमारे किसान भाई बैठे हैं ना, आपने पंप देखा है ना, जो ट्यूबवेल वाला पंप होता है, उसको ऑन करते हो पानी निकलता है ना, वैसा ही पंप लगा रखा है। हंसो मत, आपके जेबों में से पैसा निकाल रहा है वो पंप, उधर बटन दबता है, दिल्ली में, बंबई में, मुंबई में बटन दबता है, पंप चालू होता है, किसानों के जेब में से पैसा निकलता है, मजदूरों के जेब में से पैसा निकलता है। नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, किसी भी स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले से पूछ लो, आज मेरे साथ चले, मैंने पूछा भैया बात बताओ, नोटबंदी से पहले आप कितने लोगों को रोजगार देते थे, कहता है 300। मैंने कहा नोटबंदी और जीएसटी के बाद आप कितने लोगों को रोजगार देते हो, कहता है 50। मैंने कहा वो जो 250 लोग थे उनका क्या हुआ, कहता है मुझे नहीं मालूम। नोटबंदी और जीएसटी ने ये काम किया है, जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी थी, जो रोजगार देती थी, जो छोटे व्यापारी, किसान, स्मॉल और मीडियम बिजनेस जो चलाते हैं, जो लाखों बिजनेसेस हैं, मगर हर एक बिजनेस 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000 लोगों को रोजगार देता था, उन सब को खत्म कर दिया। खत्म।
बहाना बनाया कि काले धन को हम मिटा देंगे और हिंदुस्तान की रोजगार की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। मैं पूछता हूं आपसे, कितने 8 साल हो गए नोटबंदी के बाद? 8 साल हो गए ना, 6 साल, 6 साल हो गए, काला धन गायब हो गया, खत्म, बाय बाय ना। काला धन बढ़ गया 15 लाख, हाँ, जैसे जैसे आपके जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ना महाराष्ट्र से गायब हो रहे हैं, फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट गायब हो गया, एयरबस का प्रोजेक्ट गायब हो गया, वैसे ही 15 लाख गायब हो गया, खत्म। और ये जो इनकी पॉलिसीज हैं इससे डर फैलता है। आप किसान को एमएसपी ना दो, किसान का कर्जा माफ मत करो, उसको सही रेट ना दो, उसके दिल में भय पैदा होता है। आप युवा से कहो कि देखो तुम्हें हम रोजगार नहीं देंगे, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी शिक्षा में लाखों रुपए डाले हैं मगर तुम्हें रोजगार नहीं मिलेगा, उसके दिल में डर पैदा होता है। मजदूर से कहो मनरेगा बंद कर देंगे, उसके दिल में डर पैदा होता है। और इस डर को नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी नफरत में बदलते हैं, ये काम करते हैं। और इसके खिलाफ, डर के खिलाफ और नफरत के खिलाफ, ये हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। कन्याकुमारी से श्रीनगर तक 3600 किलोमीटर पैदल, और आप पूछ लो बहुत मजा आ रहा है सबको, कुछ कष्ट नहीं हो रहा। आपसे मिल रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। और इस यात्रा को कोई शक्ति नहीं रोक सकती, है जाएगी श्रीनगर, वहां पे तिरंगा फहराएगी। आपने, जैसे मैंने पहले कहा, अपनी पूरी की पूरी शक्ति, पूरा प्यार आपने यात्रा को दे दिया। यात्री चल रहे हैं मगर लाखों लोग हमारे साथ चल रहे हैं। कन्याकुमारी से लाखों लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं और आप हमें शक्ति दे रहे हो, हमारी मदद कर रहे हो, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत अच्छा लग रहा है। बात मेरे दिमाग में आई, पता नहीं कहां से आ गई, बोलूं? शायद नहीं बोलनी चाहिए, बोलूं? थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगी, बोल डालूं? बोल दूं? तो
बताता हूं, बोल देता हूं। चलो, मैं केदारनाथ गया एक बार, वहां के हमारे चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे कहा कि देखो केदारनाथ जाना है। मेरे ऑफिस में आए, उन्होंने कहा केदारनाथ जाना है, तो कह रहे थे मुझे, मैंने सुना और पता नहीं मेरे मुंह से बात निकल आई, एकदम बात निकली। उन्होंने मुझे कहा कि देखो आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जा सकते हो। जैसे ही उन्होंने ये बोला, मैंने कहा मैं हेलीकॉप्टर से केदारनाथ नहीं जाऊंगा, मैं अगर केदारनाथ जाऊंगा तो मैं पैदल जाऊंगा, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं शिव के मंदिर में जा रहा हूं, जो मतलब मैंने तपस्वी की बात की, जो सबसे बड़े तपस्वी थे, अगर मैं उनके घर जा रहा हूं तो हेलीकॉप्टर में जाने का कोई मतलब ही नहीं। मतलब मैं तपस्वी के यहां जा रहा हूं और मैं 15 किलोमीटर तपस्या नहीं कर सकता क्या? तो मैंने कहा देखो मैं जाऊंगा, मगर हेलीकॉप्टर लेकर नहीं जाऊंगा, पैदल जाऊंगा। कहते हैं ठीक है, मैं पैदल गया। वहां पे बहुत अच्छा लगा, बड़ी ठंड थी, 16-17 किलोमीटर हैं, मतलब पता लगता है कि मतलब केदारनाथ जा रहे हैं, पता लगता है। मैं वहां पहुंचा, वहां पे कोई उद्घाटन था, जैसे मैं मंदिर में घुस रहा था वहां पे एक आरएसएस के नेता मिले, मैंने नमस्ते की, कैसे कहूं, सीधा बोल देता हूं, वजन उनका काफी काफी था, तकरीबन देखो 100 किलो तक था। तो हम अंदर जा रहे थे और उनके पास, उनके साइड में एक नौकर था और नौकर के सिर पर इतनी बड़ी टोकरी थी, उसमें फल लगे थे, फल थे। मैंने देखा, मैंने कहा सर ये क्या है? कहते हैं ये मैं फल शिवजी के चरणों पे डालने के लिए लाया हूं। एकदम मैंने सोचा आप नहीं लाए हैं, आपका नौकर लाया है, मगर जो दिल में होता है मैं कभी कभी बोलता नहीं हूं, चुप हो गया मैं। मैंने कहा बहुत अच्छा, मुझे देखते हैं, कहते हैं आप कब आए? मैंने कहा मैं तो कल रात को आया था, आप कैसे आए? मैं तो चल के आया, 100 किलो का वजन था, तो मैंने बदतमीजी नहीं करनी थी तो मैंने सवाल नहीं पूछा, मैं चुप हो गया। मगर उन्होंने कहा मैं तो हेलीकॉप्टर से आया। मैंने सोचा
अब आ गया दिमाग में, मैं क्या करूं। मैंने कहा आप सबसे बड़े तपस्वी के घर आए हैं, बोला नहीं, आप सबसे बड़े तपस्वी के घर आए हैं, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा, और उसके घर आप हेलीकॉप्टर से आए। कुछ नहीं कहा, चुप हो गया। चलिए हम गए, धक्का मुक्की हुई वहां पे, मुझसे बुजुर्ग थे तो मैंने कहा आप आइए। गए उन्होंने, मतलब हाथ जोड़े, पूजा हुई, मैंने भी हाथ जोड़े, पूजा खत्म हुई, बाहर निकले। मुझे कहते हैं राहुल जी आपने शिव जी से क्या मांगा। चुप हो गया। मैंने कहा भाई साहब आप बताइए आपने क्या मांगा। मैंने सोचा पहले उनसे पूछ लेता हूं। मुझे कहते हैं राहुल मैंने सेहत मांगी, सेहत मांगी। सौ किलो का वजन, शिवजी से सेहत मांगी। अगर आप केदारनाथ पैदल आ जाते सेहत मिल जाती। मैंने उसको बताया नहीं, अब मैं आपको बताऊंगा, मगर उसको मैंने नहीं बताया, उसको यह बात शायद समझ ना आती। उनका दूसरा तरीका है, हमारा दूसरा तरीका है। मैंने शिवजी से कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। मैं गया, मैंने हाथ जोड़ा और मैंने शिवजी से कहा, शिवजी का धन्यवाद किया कि आपने मुझे रास्ता दिखाया। यह फर्क है आरएसएस में और कांग्रेस पार्टी में, यह फर्क है गांधी जी में और सावरकर जी में। हम कहते नहीं हैं, हम कर देते हैं। और ये जो मैंने बोला आप सब समझोगे, देखो हमारे सारे कार्यकर्ता हैं, हमारे सारे नेता हैं, ये आप सब समझ जाओगे। ये जो महापुरुष हैं शिवाजी महाराज, फूले जी, अंबेडकर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, मौलाना आजाद जी, जब हम इनके सामने हाथ जोड़ते हैं हम इनका धन्यवाद करते हैं। हम इनका इसलिए धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, इन्होंने हमें जीने का तरीका दिया है। तो यह मैं आपसे कहना चाहता था, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यार दिया, इतनी हमारी मदद की। नमस्कार, जय हिंद।